हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग का वंदना की वज्ञा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज चलिए आप लोग को ये बताने जा रही हूँ कि लौकी के प्लांट का केयर किस तरह से करना चाहिए। जब लौकी का प्लांट जब 10-12 इंच से ज़्यादा बड़ा हो जाए, उसके बाद उस पर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए कि वो अच्छे से लौकी का मतलब अच्छा से उसमें फ्रोटिंग आए, अच्छा से उसमें लौकी आए। तो चलिए देखिए, मैं दिखा रही हूँ वीडियो में कि ये मेरा लौकी का प्लांट है जिसे मैंने सीड से ग्रो किया था फरवरी में। तो इस समय तो अभी अप्रैल चल रहा है और इस समय देखिए इसमें क्या करना चाहिए मुझे और हमें इस समय क्या करना चाहिए प्लांट में, तो मैं इस समय आप लोग को बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैं इसमें जितने भी इसमें नीचे जितने भी फालतू ये ब्रांचेस हैं, तो इसे आपने एकदम हटा ही दीजिए, क्योंकि इसका नीचे से जब ग्रोथ होने लगता है ना, तो फिर ऊपर का ग्रोथ जो है रुक जाता है। और सूखे पत्ते जो है नीचे का, उसे भी रिमूव कीजिए। और जो नए ब्रांचेस इसमें आते हैं, जैसे कि नए नए जैसे ब्रांचेस निकलते हैं, तो उसे भी रिमूव कर देना चाहिए। जैसे कि देखिए छोटे छोटे ब्रांचेस आ रहे हैं ना, इसे एकदम रिमूव कर देना चाहिए इसमें से। और देखिए इसमें जो पत्ते सूख रहे हैं, इसे भी हटा दीजिए ऐसे कट करके, और पत्ते को ऐसे कट करके हटा दीजिए। और देखिए, अगर आपने इसमें जब प्लांट जब सीड ग्रो करते समय अगर कंपोस्ट कोई डाला है, तब तो इस समय डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई कंपोस्ट नहीं डाला है सीड ग्रो करते समय, तो अभी तो खैर डालना ज़रूरी है। अब इतने बड़े पौधे हो गए हैं तो इस समय तो इसमें कुछ ना कुछ कंपोस्ट डालना पड़ता है, क्योंकि जब कंपोस्ट आप डालेंगे तो कुछ ऑर्गेनिक कंपोस्ट, तब तो इसका जिससे कि पौधे आपका इसका ग्रोथ अच्छा होगा, पौधे का अच्छे से इसमें फ्लावरिंग आएगा, सीड आए इसमें फ्रोटिंग आएगा। तो इसके फालतू जो पत्ते हैं, सूखे ब्रांचेस जो हैं, इसके पत्ते जो सूख गए हैं, उसे तो एकदम निकाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि इसमें जितने भी घास वगैरह जमे हुए हैं, इसे हटा दीजिए। ठीक है, इसकी घास उस हटा के इसकी गुड़ाई थोड़ा कर दीजिए। और इसके जो रूट पे जो है, यहाँ पे मिट्टी आप चढ़ा दीजिए। देखिए इस पे जो है थोड़ा यहाँ मिट्टी जो है चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मैं देखिए इस सब को ऐसे गुड़ाई करके सब पर मिट्टी चढ़ा दी हूँ सारे रूट के पास। हाँ, उसके बाद देखिए इसमें कंपोस्ट, कौन सा कंपोस्ट डालना है और कैसे डालना है। तो देखिए मैंने इसमें 4 पेड़ लगाया है, 4 सीड इसमें मैंने ग्रो किया था और 4 सीड मैं इसमें लगाई हूँ। तो देखिए इस चारों सीड के ऐसे बीच में ऐसे यहाँ बीच में ऐसे गुड़ाई कर लीजिए। ठीक है, बीच में ऐसे गुड़ाई कर लीजिए। बीच में ऐसे गुड़ाई करने के बाद इसमें आपको कौन सा कंपोस्ट डालना है मैं आप लोग को बता रही हूँ। देखिए बस ये बोन मील है थोड़ा सा, और ये बर्मी कंपोस्ट है, और ये जो है दोनों जो है ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है। तो बोन मील तो पूरा नहीं पड़ेगा, जैसे इतना बोन मील है तो इसमें थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट मिला के डाल दीजिए। देखिए इसमें जो है मिला कैसे, देखिए मैंने क्या किया, जो गड्ढा मैं की हूँ उसी में इसको डालूँगी, और यहीं से चारों प्लांट का यहीं से खाना इसको मिलते रहेगा, भोजन इसको यहीं से मिलते रहेगा, क्योंकि मैं बीच में डाल रही हूँ ना। और क्या किया जाता है ना कि ऐसे बीच में डाल के इसको आप मिट्टी से ऐसे ढक दीजिए, जब यहाँ पानी पड़ेगा तो सारे पौधों को खाना मिलेगा। ठीक है,
और वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट ये सब जो है ना डालने के बाद तो इसे ढकना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब उस पर धूप पड़ेगा ना तो उसका असर ना ठीक नहीं पड़ता है, धूप नहीं पड़ना चाहिए इस सब किसी भी कंपोस्ट के ऊपर। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड मैंने ढक दिया, ठीक है। और देखिए ढकने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी। अब सारे पौधे को देखिए, वहाँ से भोजन जो है सारे पौधे को मिलते रहेगा। अब बस थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो प्लांट जो है गल सकता है, खराब मतलब जल सकता है। और उसके बाद देखिए आजकल जो है ना कद्दू के प्लांट पे या लौकी के प्लांट पे बहुत मिली बग्स का अटैक हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा इसमें जो है कि या तो आप साफ फंगिसाइड का या तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। देखिए मैं इस पर स्प्रे भी कर रही हूँ साफ फंगिसाइड का। अभी मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि मेरे लौकी के प्लांट कद्दू के प्लांट में मिली बग्स लग गया है, सफ़ेद कीड़े, तो आप बताइए मैं क्या करूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि इसे क्या करना है, कि देखिए इस तरह से कर दिए तो अब फ्रेश हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से कद्दू लौकी के प्लांट का केयर करना पड़ता है, तब जाके अच्छा इसमें फ्रूटिंग आएगा। और देखिए अब तो इसमें से बेल भी निकल रहा है ना, देखिए इसके बेल भी अब आ रहे हैं। तो जब बेल आ जाएंगे तो मैं इसको जाल पे चढ़ा दूँगी। तो उसी तरह जाल पे जाके देखिए जैसे मैंने लौकी के प्लांट कद्दू के प्लांट को चढ़ाया है, देखिए इधर कद्दू के क्रीपर को मैंने चढ़ाया है ना जाल पे, तो देखिए इसमें कद्दू भी निकले तो थे, कहाँ गया। हाँ देखिए छोटे से इसमें कद्दू भी दिख रहे होंगे आपको, हाँ कद्दू भी आ रहे हैं। इसमें कद्दू मैंने लगाया है, उधर मैंने लौकी लगाया है। तो अब तो चलती हूँ मैं, कद्दू का तो मैंने कर दिया, लौकी का तो मैंने कर दिया, अब कद्दू का भी कर लेती हूँ। ये कीड़े का बहुत आजकल अटैक हो रहा है ना, क्योंकि पानी यहाँ पड़ता है तो यहाँ पे चींटियाँ आती है और चींटियों के वजह से ही मिली बग्स का अटैक होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।